अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जाफर आपका टीवी 31 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्का असेंबली बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, नवाब साहब कुंटा डिवीजन प्रेसिडेंट गुलाम नबी साहब और कारपोरेटर जानवा से इलेक्शन लड़े रहे हैं। आज के बाद आने के बाद ये महसूस कर रहा हूँ, गुलाम नबी साहब उससे पहले भी दो बार यहाँ पर मेंबरशिप बनाए हैं और इस मेंबरशिप बनाने का मकसद यही है कि हमारे कायद KCR साहब और KTR साहब ने ये स्कीम देने का मतलब ये है कि 2 लाख रुपए इंश्योरेंस है। इंसान की ज़िंदगी में अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो उसकी फैमिली के लिए 2 लाख रुपये इंश्योरेंस रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, ये मेंबरशिप बनने से आपको बेनिफिट ये है कि तेलंगाना की नंबर वन पार्टी TRS पार्टी के आप एक मेंबरशिप बनते हैं और कहीं भी जाकर आप ये कह सकते हैं कि मैं TRS का एक मेंबर, एक टू मेंबर हूँ। तो इससे फायदे ये हैं और साथ ही साथ आपने देखा तेलंगाना अलहदा होने के बाद हमारे कायद KCR साहब ने खासकर माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए जो स्कीम दिए हैं, जो फायदे पहुँचाए हैं, बाखूबी आप सब लोग वाकिफ़ हैं, उसको मैं दोहराने की ज़रूरत नहीं। फिर मैं खासकर नवाब साहब कुंटे के हमारे कायद डिवीजन प्रेसिडेंट गुलाम नबी साहब एक फेमस आदमी हैं और यहाँ पर अवाम की खिदमत करते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज मेंबरशिप के लिए उन्होंने जो काउंटर डाला है उसकी कामयाबी पर मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ उनको जो टारगेट दिया गया है वो 15 तारीख से पहले वो टारगेट को ख़त्म कर दें और KCR साहब, KTR साहब के हाथ मजबूत करें। हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब की सरपरस्ती में हम बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो काम कर रहे हैं वो अवाम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, अवाम के मसालों को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि हमारे कायद KCR साहब ने जो स्कीम दी वो डोर टू डोर जाएँ और अवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ। यही मैं कहते हुए नवाब साहब कुंटे के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ और अदबन गुजारिश करता हूँ कि सुनहरी चांस है आप एक टू मेंबर बन जाएँ और पार्टी के एक कायद की तरह आप काम करें।